अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं गोश्त छिल्ली दाल आलू की ग्रेवी, उसकी रेसिपी दिखाएंगे। ये आधा किलो बीफ का हड्डी वाला गोश्त है, धो के इस तरह पानी सोख करके रख लिए हैं। ये आधा किलो छिल्ली दाल है। ये 300 ग्राम आलू को इस तरह पील करके धो के क्लीन से रख लिए हैं। 300 ग्राम फार्म के टमाटर ही धोके से क्लीन से रख लिए हैं। एक बड़ी प्याज को इस तरह से बारीक से चॉप करके रख लिए हैं और 5 नारियल के पीस ही, थोड़ा हरा धनिया है, 1 स्पून अदरक का पेस्ट, 1 स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 स्पून फीका लाल मिर्च पाउडर और आधा स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, सॉल्ट है, ये सॉल्ट अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर ले सकती हैं। चलिए बनाना शुरू करेंगे। कुकर गर्म हो गया है, अब इसमें सोया मिल्क ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब प्याज डालेंगे। प्याज का कलर बदल गया है, अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये अदरक, लहसुन अदरक में खुशबू आने लगी है, तेल सेपरेट हो गया है, अब गोश्त डालेंगे। इसके साथ ही सॉल्ट भी डालेंगे। गोश्त अच्छी तरह से अगर लहसुन में मिक्स कर लिए हैं, अब सूखे मसाले डालेंगे, धनिया, ये मिर्ची पाउडर, ये हल्दी पाउडर। गोश्त को मसालों में अच्छी तरह से भून लेना, लो फ्लेम में रख के 5 मिनट तक मसालों में गोश्त अच्छी तरह से भून लिए हैं। ऑयल भी सेपरेट हो गया है, अब इसमें नारियल टमाटर का पेस्ट, पाइन पेस्ट बनाए थे, अब वो भी मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से नारियल और टमाटर को मिक्स कर लेना। जार का धोया हुआ पानी भी डाल लेंगे। टोटल आधा लीटर पानी मिक्स कर लिए हैं। अब कुकर का लिड बंद करके गोश्त गलने तक विजिल दे लेंगे। 6 विजिल दे लिए हैं, अब कुकर खोल कर चेक कर लेंगे। गोश्त अच्छे से गल गया है, आप अपने हिसाब से गोश्त को गला लेना। अब आलू डालेंगे। आलू डालकर 1 विजिल दे लेंगे। कुकर का लिड बंद करके 1 विजिल दे लेंगे। आलू डालकर 1 विजिल दे लिए हैं। कुकर का प्रेशर भी निकल गया है, अब कुकर खोल लेंगे। छिल्ली दाल भी डाल लेंगे। छिल्ली दाल आलू गोश्त बहुत टेस्ट आता है, बेंगलुरु की फेमस डिश है। अब मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया भी डाल लेंगे। अब लिड बंद कर देंगे। लिड बंद करके इसकी हवा भरने तक हाई फ्लेम में रख के, हवा भरने के बाद स्टोव बंद करके ऐसे ही दम पे छोड़ देना, कुकर का प्रेशर निकलने तक। छिल्ली दाल और आलू डालकर दम पे छोड़ दिए थे, कुकर का प्रेशर भी निकल गया है, अब डिश आउट कर देंगे। माशाल्लाह अच्छी सी खुशबू आ रही है। छिल्ली दाल आलू गोश्त की ग्रेवी बनकर रेडी हो चुकी है, बहुत टेस्टी है। ये बेंगलोर की फेमस डिश है, आप भी बनाकर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।